हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर कंपटीशन क्लासेस। यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था होती क्या है कि जैसा कि शब्द ही दिया गया है कि हमारी क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि भारत में जो राज्य करने की व्यवस्था है उसे ही हम क्या बोलते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की यदि हम बात करें तो इसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था को हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे हम पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा संविधान क्या होता है या संविधान किसे कहते हैं। संविधान की यदि हम बात करें तो किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को या किसी भी देश को चलाने के लिए, एक व्यवस्थित रूप से या व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं। उन्हीं नियम या कानूनों को क्या कहा जाता है, उन्हीं नियम और कानूनों का जो लिखित दस्तावेज होता है उसे ही हम बोलते हैं संविधान। अब बात यह आती है कि जो संविधान है, इस संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट होते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि हमारे विश्व के संविधान से होते हैं। जैसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, विश्व का सबसे पहला संविधान कौन बना, सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, लचीला संविधान किस देश का है, कठोर संविधान किस देश का है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके बन जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बनता है कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा है, जो कि कैसा है, अलिखित संविधान है। कैसा है, अलिखित संविधान है। यानी कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है, सबसे बड़ा है और अलिखित संविधान है। ऐसे ही कह दें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा देश आ जाएगा भारत। अब देखिए, ये जो भारत है, ये भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब ये जो लिखित संविधान है, इसके साथ ही भारत में क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है, तो विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है कि ब्रिटेन के संविधान का कौन सा भाग लिखित है। देखिए, वैसे जो हमारा ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा है, वो एक अलिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन के इस संविधान में यदि पूछा जाए कि कौन सा भाग लिखित है, तो ब्रिटेन का संविधान में जो मैग्ना कार्टा क्या है, सिर्फ यही एक ऐसा भाग है जो लिखित है, और शेष सारा का सारा भाग कैसा है, अलिखित है। अब बात आती है कि मैग्ना कार्टा होता क्या है, तो जो लोग होते हैं या फिर जो जनता होती है, उन सभी जनता के जो मौलिक अधिकार होते हैं, उन्हीं मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इन मौलिक अधिकारों को हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इन मौलिक अधिकारों का वर्णन
किया गया है। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब भारतीय संविधान में बात आएगी, जब उनके भाग को पढ़ेंगे, उनके अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, तो इसको जो है विधिवत डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है, तो लिखित संविधान है यूएसए का। विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो कहाँ का है, तो यूएसए का है। अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान या विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र, लोकतंत्र वाला देश, तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा नौरू। नौरू जो है वो विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र वाला देश है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके भारतीय संविधान से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन और बन जाता है कि विश्व का सबसे लचीला संविधान, विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है, तो विश्व का जो सबसे लचीला संविधान है वो किसका है, यूके, ठीक है, जो कि आपका ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है, तो यूके का है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो लचीला है और साथ में कठोर भी है। यदि बात आती है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान या कठोर कानून किन किन देशों के हैं, तो कौन कौन से देश आ जाएंगे, जैसे ईरान आ जाएगा, इसी में आपका आ जाएगा नॉर्थ कोरिया, इसी में आ जाएगा आपका सऊदी अरब। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका कानून या फिर जिनका संविधान जो है बहुत ही ज़्यादा कठोर है। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बारे में बात करेंगे भारतीय संविधान कि भारतीय संविधान क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में यदि हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे, जो सबसे पहला यूनिट होगा, वो हमारा पहला यूनिट क्या होगा कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसको कैसे बनाया गया, उसकी रूपरेखा क्या है, किस तरीके से जो है भारतीय संविधान हमारे देश में लागू हुआ। तो हम सबसे पहला जो उसका भाग पढ़ेंगे, फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा, भारतीय संविधान का विकास, कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। यदि भारतीय संविधान के विकास की बात करें तो इसका विकास कहाँ से होता है, अंग्रेजों के आगमन से। अंग्रेजों के आगमन से क्या होता है कि सबसे पहला जो अंग्रेज आता है वो भारत में कौन आता है और कब आता है, तो 1599 ईस्वी में एक अंग्रेज होता है जिसका नाम होता है जॉन मिंडेन हॉल, जॉन मिंडेन हॉल। तो जॉन मिंडेन हॉल नामक एक अंग्रेजी व्यक्ति जो है वो 1599 में भारत आता है। और जैसे ही वो भारत आता है तो यहाँ पर देखता है कि कई सारे ऐसे विदेशी नागरिक हैं, कई सारे ऐसे विदेशी जनता है जो भारत के साथ व्यापार कर रहा है। तो फिर इसके मन में भी एक ये विचार आता है कि क्यों ना हम भी जो है भारत के साथ व्यापार करें। अब जब इसके मंदर ये विचार आया तब ये कहा जाता है ये ब्रिटेन जाता है, और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी होती हैं उनका नाम होता है एलिजाबेथ प्रथम। ये कौन होती हैं, तो ये ब्रिटेन की महारानी होती हैं, ब्रिटेन की महारानी। अब देखिए जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, तो फिर जॉन मिंडेन हॉल नामक जब ये व्यक्ति महारानी के पास जाता है और भारत के साथ व्यापार करने के लिए बोलता है, तो यही महारानी एक राज्ञा पत्र जारी करती हैं जिसमें 15 वर्षों के लिए भारत के साथ ही साथ पूरी देशों के साथ व्यापार करने के लिए
15 वर्षों के लिए अनुमति देती हैं। अब ये अनुमति देती कब है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में किसका गठन किया जाता है, तो सभी ने पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया जाता है, तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में जब आती है, तो जब एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस शासक के समय में भारत आई, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो उस समय जो यहाँ का शासन चल रहा होता है वो चल रहा होता है मुगल वंश का। किसका चल रहा होता है, तो मुगल वंश का शासन चल रहा होता है, और मुगल वंश का जो बादशाह होता है उसका नाम होता है अकबर। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस मुगल वंश के शासन काल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो अकबर के शासन काल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। और वर्ष 1605 की बात है कि वर्ष 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो अगला जो उत्तराधिकारी बनता है मुगल वंश का वो कौन बनता है, तो जहांगीर बनता है, जो कि अकबर का पुत्र होता है। तो जहांगीर के शासनकाल में,1608 में एक अंग्रेजी शासक आता है जिसको हम लोग टॉमस रो के नाम से जानते हैं, टॉमस रो या सर टॉमस रो। इसके बाद में क्या आता है कि 1611 में एक अस्थाई फैक्ट्री डाली जाती है, जो कि कहाँ डाली जाती है, मूसलीपट्टम में एक अस्थाई फैक्ट्री डाली जाती है। अब ये जो मूसलीपट्टम है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में फिर वर्ष 1613 में सूरत में एक फैक्ट्री डाली जाती है, जो कि कैसी फैक्ट्री होती है, स्थाई फैक्ट्री होती है। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन फिर से डायरेक्ट बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ डाली गई, या फिर अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कब डाली गई। जब सर्वप्रथम शब्द दे देगा तो उस कंडीशन में जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1613, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो सर्वप्रथम फैक्ट्री डाली गई वो कब डाली गई, तो सन 1613 में सर्वप्रथम फैक्ट्री डाली गई। कहाँ डाली गई, तो सूरत में डाली गई। सूरत कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम अस्थाई फैक्ट्री कहाँ डाली गई। जब अस्थाई शब्द नाम दिया होगा या फिर अस्थाई शब्द दिया होगा तब हम उसका आंसर लगाएंगे मूसलीपट्टम। अन्यथा यदि पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ डाली गई, तो सबसे पहले का आंसर होगा हमारा सूरत। अब बात ये आती है कि यहाँ पे फैक्ट्री पड़ गई, अब धीरे धीरे अंग्रेजों का यहाँ पे व्यापार प्रारंभ हो गया। अब धीरे धीरे जब व्यापार प्रारंभ हुआ तो फिर इनके अंदर उस समय जो यहाँ पे मुगल वंश का शासन चल रहा था, उस मुगल वंश का शासन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, क्योंकि जो मुगल वंश के शासक थे वो जब आगे जैसे ही जैसे समय बढ़ता चला जा रहा था, पीढ़ी बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे मुगल वंश के शासक भी वो कमजोर होते जा रहे थे। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मुगल वंश का शासन भी समाप्त पर होता है, और जो हमारा भारत है, भारत के अंदर ही जो विभिन्न राजा हुआ करते थे वो अपना क्षेत्र, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए आपस में ही युद्ध करने लगे। अब जब आपस में युद्ध करने लगे तो फिर अंग्रेजों के अंदर भी ये भावना जागृत हुई, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम इनको आपस में ही लड़ाएं और उसके बाद हम यहाँ पर राज्य करें। तो यहीं से स्टार्ट होता है अंग्रेजों का राजनीतिक क्षेत्र। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब अंग्रेज, सभी ने पढ़ा होगा कि 1757 की बात है, 1757 से पहले कई सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, और जैसा कि हम सभी लोग जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान, तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो बंगाल से ही इसका प्रारंभ होता है। तो सन 1757 में एक युद्ध होता है जिसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, या फिर प्लासी का युद्ध। अब ये जो प्लासी का युद्ध होता है ये किसके किसके मध्य होता है, तो सभी ने पढ़ा होगा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला।
रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन हुआ करता था? तो ये बंगाल का नवाब हुआ करता था, और जो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था ये अंग्रेजी सेना का सेनापति हुआ करता था। जब इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो उसमें विजय किसकी हुई? विजय हुई रॉबर्ट क्लाइव की। और हार का सामना किसे करना पड़ा? तो हार का सामना करना पड़ा सिराजुद्दौला को। अब इस हार के पीछे के कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था और एक मंत्री था जिसका नाम था मीर जाफर और राय दुर्लभ। तो ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो सिराजुद्दौला की सेना में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन दोनों व्यक्तियों ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और किससे जाकर के मिल गए? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाते हैं। और फिर यहीं पे क्या होता है, सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ से भी जो है भारतीय संविधान या फिर भारत की जो राज्य व्यवस्था है उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव जो पड़ता है वो अगले युद्ध में पड़ता है जिसको हम लोग जानते हैं 1764 का युद्ध, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं या फिर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, और ये बक्सर का युद्ध भी किसके साथ होता है? तो भारतीय शासकों के साथ होता है और अंग्रेजी सेना के साथ होता है। और इसमें भी क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो जीत जाते हैं या फिर अंग्रेजों की विजय होती है। अब जब यहाँ पे अंग्रेजों की विजय हो जाती है तो यहीं से जो है हमारा भारतीय संविधान यानी कि राजनीतिक इतिहास जो है यहाँ से बदल जाता है। अब इस बक्सर के युद्ध के पश्चात इसके ठीक अगले ही वर्ष यानी कि 1765 में एक संधि की जाती है अंग्रेजों के द्वारा जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की संधि, ये जो इलाहाबाद की संधि की गई थी इसमें कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई थीं, और उन शर्तों में क्या रखा गया था कि जो यहाँ का यानी कि जो लोकल शासक होगा और यहाँ पे जो अंग्रेज होंगे, अंग्रेज का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ का लोकल शासक। अब जनता के द्वारा अभी तक क्या होता था कि केवल एक ही टैक्स लिया जाता था जो कि लोकल शासक लेता था, लेकिन अब यहाँ से क्या होता है इस 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसमें ये एक शर्त रखी जाती है कि अब जनता के द्वारा जो भी टैक्स लिए जाएंगे, जो भी कर लिए जाएंगे, वो अब एक नहीं बल्कि दो कर लिए जाएंगे। एक कर जो होगा वो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा, और जो दूसरा भाग होगा वो किसको दिया जाएगा, वो स्थानीय शासक को दिया जाएगा। तो इस तरीके से जनता के द्वारा अब दो टैक्स लिए जाने लगे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाने लगा और जो दूसरा था वो वहाँ के लोकल शासक को दिया जाने लगा। अब बात ये आई कि जो लोकल शासक को जितना भी कलेक्शन होगा, जितना भी टैक्स वो वसूलेगा, उस संपूर्ण टैक्स का 81% भाग वो किसे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। तो इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक भाग तो उसको डायरेक्ट मिल रहा था और दूसरा भाग का 81% जो है वो शासक के द्वारा मिल रहा था। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लूट मचाई। और इसके बाद में सन 1765 से लेकर के कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस समय को भारत की लूट के समय के नाम से जाना जाता है, तो सन 1765 से लेकर के 1772 तक का ये जो समय रहता है इस समय को क्या कहा जाता है, तो इसे भारत की लूट कहा जाता है। इसे जो है भारत की लूट कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो उसका जो रीजन था वो क्या था, इलाहाबाद की संधि था, यानी कि ये जो जनता के द्वारा जो दो टैक्स लिए जाने लगे इसी को कहा जाता है भारत की लूट। अब यहाँ से जो है आपका संवैधानिक विकास प्रारंभ होता है। 72 के बाद सन 1773 में एक अंग्रेजी शासक के द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है जिसको हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, और यहीं से हमारा भारतीय संविधान का विकास प्रारंभ होता है। तो एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विकास के बारे में। देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान को हम लोग दो चरणों में पढ़ेंगे, दो फेजेस में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फेज होगा वो हमारा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और जो दूसरा फेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन रूल या फिर ब्रिटिश ताज का शासन। देखिए ये दो पार्टों में इसको हम क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे भी एक घटना घटित है कि सबसे पहले जो भाग है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन रूल।
अब ब्रिटिश क्राउन रूल क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि यहाँ पे इसको हम दो चरणों में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 1773 से 1773 से हमारा संविधान स्टार्ट होता है और कब तक 1947 तक, ठीक है, 1773 से लेकर के 1947 तक हमारा क्या चलता है, भारतीय संविधान का विकास चलता है। और उसी बीच में क्या होता है, इसी संवैधानिक विकास के समय में ही एक क्रांति आती है जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और यही 1857 की क्रांति जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास को दो पार्टों में अलग करती है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन रूल का शासन। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो कब से कब तक चलता है, तो इसका जो समय काल होता है वो होता है 1773 से लेकर के 1857 तक, यानी कि 1773 से लेकर के 1857 तक जितने भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होता है। लेकिन 1858 से लेकर के 1947 तक जितने भी नियम और कानून बनाए जाएंगे वो डायरेक्ट किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो ब्रिटिश महारानी के द्वारा बनाए जाएंगे या फिर ब्रिटिश राजा के द्वारा या ब्रिटिश शासक के द्वारा बनाए जाएंगे। यानी कि 1773 से लेकर के 1857 तक का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है और फिर 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश सरकार का शासन रहता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग किसके किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ऐसे ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट और उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे और इसी में पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद ही 1857 की क्रांति होती है और इसी क्रांति के दौरान क्या किया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन जो है छीन करके सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाता है। अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम या 1858 का अधिनियम, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर पढ़ेंगे 1892 का, उसके बाद में 1909 का, फिर 1919 का, 1935 का, फिर 1946 का कैबिनेट बैठक। तो इस तरीके से जो है हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हम लोग दो चरणों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चरण आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से नियम बनाए जाते हैं, कौन कौन से कानून बनाए जाते हैं। तो अभी तक जो 1772 या फिर 1773 से जो पहले का समय था, तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, बंगाल का एक गवर्नर हुआ करता था। जब ये एक्ट आया तो इसी एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया और बंगाल के गवर्नर को एक नया नाम दिया गया जिसको हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, या बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसी पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद कब दिया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर का नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है,
कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब देखिए कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसी गवर्नर के शासनकाल में ही इसका पद चेंज कर दिया गया था, यानी कि गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय जो यहाँ शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, वारेन हेस्टिंग्स हुआ करता था। अब यही गवर्नर क्या कहलाएगा, अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो इस तरीके से जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा, तो वारेन हेस्टिंग्स कहलाएगा। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। इसके बाद में फिर जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, इसी एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना की गई, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब यहां से भी आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो स्थापना कब की गई, यानी कि यदि वर्ष पूछे तो वर्ष हमारा हो जाएगा 1774 हो जाएगा, लेकिन यदि एक्ट पूछे कि किस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और कहाँ की गई, तो कलकत्ता में की गई। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो वो थी 4। अब इन 4 न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, कभी कभी उसका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम क्या था, सर एलिजा एम्पे। तो सर एलिजा एम्पे नामक प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास में जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, या फिर जितना भी पढ़ाया गया वहाँ से आपको कोई भी प्रश्न आपके मन में अगर आ रहा है, तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।